Hello friends, I'm Rakesh and you're watching Learn English through practice. Today my subject is present indefinite tense. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जानकारी देना चाहूँ कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर सबसे पहले आप टेंस वगैरह भी पढ़ा दें जिससे कि हमें सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी ना हो। आप हमें वाक्य को कनेक्ट करने के लिए सिखा रहे हैं लेकिन जब तक हमारा टेंस क्लियर नहीं होगा तो हम वाक्य को अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे सीखें और इसे एक या दो बार जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा जो टेंस बताने का जो मेथड होगा वो डायरेक्टली मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये बिल्कुल ही अलग हटके थोड़ा लीक से, और जो कुछ भी आपने टेंस में सीखा होगा बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन हमारा जो मेथड है वो प्रैक्टिस के माध्यम से है। तो रूल वगैरह बहुत कम यूज़ किया गया है। रूल वगैरह यूज़ है, ऐसा नहीं कि रूल यूज नहीं है, रूल यूज है इसमें भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूल वगैरह होने से लोग बोरिंग समझते हैं प्लस सीख नहीं पाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस में ही डाला है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और किस प्रकार से मैं इसे और भी अच्छा, बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, क्योंकि आपका भी ओपिनियन काफी मायने रखता है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं पहले से, प्रेजेंट टेंस की पहचान में आप जानते हैं कि ता है, ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू और डज होता है। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। आई की भी गिनती बहुवचन में होती है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए उनके साथ भी आप डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर लिखा हो सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस है तो इसमें मैं सब्जेक्ट को इंक्लूड इनिशियली नहीं करूँगा, बाद में लेटर स्टेज पे मैं इसे यूज करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। खाता है तो क्या लिखेंगे, इट्स। जाता है, गोज। बोलता है, स्पीक्स। अंग्रेजी बोलता है, स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिंगुलर सेंटेंसेज है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए मैं एस एस और ई एस लगाते जा रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं प्लूरल करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और बाद में प्रैक्टिस के थोड़ा और आगे मैं चलूँगा तो मैं सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करूँगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लिखता है, पत्र लिखता है, पत्र लिखता है राम के पास, राइट्स रिलेटेड टू राम। जाता है, गोज। खेलने जाता है तो पहले गोज लिखेंगे, टू प्ले। जब भी सेंटेंस का शुरुआत होगा तो सबसे पहले एस और यस यानी कि टेंस का ही शुरुआत होगा, उसके बाद आगे हम चलेंगे। मेरा सेंटेंस कितना भी लंबा हो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करें। फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, गोज टू प्ले फुटबॉल। सीता के साथ पढ़ने के लिए जाता है, गोज टू रीड विद सीता। सीता के साथ पढ़ने के लिए जाता है जो मेरी बहन है, गोज टू रीड विद सीता हु इज माई सिस्टर। मैंने आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ दूसरे वीडियो में जिसमें हु वगैरह का मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि किस प्रकार से वाक्यों को सेंटेंस को लंबा करें हु दैट विच का प्रयोग करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख पाया तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे वॉच कर ले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। कोशिश करता है, ट्राइज। पढ़ने की कोशिश करता है, ट्राइज टू रीड। देख रहे हैं आपका बन रहा होगा। इंग्लिश पढ़ने की कोशिश, बोलने की कोशिश करता है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। लगता है, बिगिंस। खेलने लगता है, बिगिंस टू प्ले। बोलने लगता है, बिगिंस टू स्पीक। सीखने लगता है, बिगिंस टू लर्न। कंप्यूटर सीखने लगता है, बिगिंस टू लर्न कंप्यूटर। जॉब पाने के लिए, टू गेट जॉब। इंग्लिश सीखने लगता है जॉब पाने के लिए, बिगिंस टू लर्न इंग्लिश टू गेट जॉब। चलिए अगर मैं, जैसा कि मैंने बिगिंस लगाया है, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये बिगिंस लगाया तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ कि इसके पहले, इसीलिए मैंने बिगिंस लगाया क्योंकि मैं जितना भी ऊपर में सेंटेंस लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो चलिए मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी लगा लेता हूँ। राम जॉब पाने के लिए अंग्रेजी सीखने लगता है, तो आपको हमारा सिर्फ लिखना है राम,
बाकी सेंटेंस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख लीजिए. ओके, लेकिन अभी भी मैं फिर से वही कंटिन्यू करूँगा. अभी मैं सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड करने जा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें. आगे देखते हैं. हमारा खेलता रहता है, कीप्स ऑन प्लेइंग, राइट. बोलता रहता है, कीप्स ऑन स्पीकिंग. हेल्प करता रहता है, कीप्स ऑन हेल्पिंग. पैसे से मदद करते रहता है, कीप्स ऑन हेल्पिंग विथ मनी. कीप्स ऑन में ऑन के बाद वी फोर लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखें. दिन भर खाता रहता है, कीप्स ऑन ईटिंग ऑल द डे. चाहता है, वॉन्ट्स. पढ़ना चाहता है, वॉन्ट्स टू रीड. जाना चाहता है, वॉन्ट्स टू गो. विराट कोहली की तरह खेलना चाहता है, वॉन्ट्स टू प्ले लाइक विराट कोहली. अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी मैं सिंगुलर सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकता हूँ. तो चलिए एक इंक्लूड करके देखते हैं हमारा कैसा वाक्य बनता है. रोहन विराट कोहली की तरह खेलना चाहता है. ओके, मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए. रोहन वॉन्ट्स टू प्ले लाइक विराट कोहली. जानता है, नोज. पढ़ना जानता है, नोज. हाउ टू रीड. खेलना जानता है, नोज. हाउ टू प्ले. सीखना जान, लिखना जानता है, नोज. हाउ टू राइट. इंग्लिश बोलना सीखता है, लर्न्स. हाउ टू स्पीक इंग्लिश. कार स्टार्ट करना जानता है बिना चाबी के, नोज. हाउ टू स्टार्ट द कार विदाउट की. मार्केट जाता है सब्जी खरीदने के लिए, गोज टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल. अब आपको समझ आ रहा हो. अब मैं थोड़ा सा वाक्य लेता हूँ जो कि प्लूरल के लिए होगा. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है. बोलते हैं, स्पीक. जाते हैं, गो. पढ़ने के लिए जाते हैं, गो टू रीड. गरीबों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू हेल्प द पुअर. जो गांव में रहते हैं, हु लिव इन द विलेज. बोलना चाहते हैं, वांट टू स्पीक. पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई टू रीड. चाय बनाना जानते हैं, नो. हाउ टू प्रिपेयर टी. आई होप कि आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल में हो पाएगा. अब मैं कुछ सेंटेंस लूंगा जो कि नेगेटिव में होगा. ये मिक्स रहेगा, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा. आप इसे जरूर समझ पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नहीं जाता है, डज नॉट गो. नहीं खाता है, डज नॉट ईट. नहीं बोलते हैं, डोंट स्पीक. नहीं लिखते हैं, डोंट राइट. पढ़ना नहीं जानते हैं, डोंट नो हाउ टू रीड. बोलते रहते हैं, कीप ऑन स्पीकिंग. नहीं बोलते रहते हैं, डोंट कीप ऑन स्पीकिंग. पढ़ने के लिए जाती है, थर्ड पर्सन है, गोज टू रीड. पढ़ने के लिए नहीं जाती है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, थर्ड पर्सन है, डज नॉट गो टू रीड. गो, गोस, गो में बदल जाएगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा वी वन में होगा. कोशिश करता है, ट्राइज. नहीं कोशिश करता है क्योंकि ट्राइज में एस लगा हुआ, यानी कि डज नॉट. ट्राइज में ऊपर में देखिए एस लगा हुआ तो क्या होगा, डज नॉट ट्राई, वी वन में आ जाएगा. नाचने लगता है, बिगिंस टू डांस. नहीं नाचने लगता है क्या होगा, अब दिमाग लगाइए क्या होगा, क्योंकि एस बिगिंस में एस लगा हुआ तो क्या होगा, डज नॉट, फिर बिगिन का भी बन आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही रह जाएगा. डांस प्लूरल में लेते हैं. समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. नहीं समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ट्राई में एस नहीं लगा हुआ ना ई एस लगा हुआ, डू लगेगा. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज के लिए इतना ही. पहले इसे दो बार तीन बार देखिए. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मैं जल्दी आपके लिए इंट्रोगेटिव और WH का क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ अभी टेंस में ही. ओके, अभी ये क्लियर नहीं हुआ, जल्दी मिलते हैं बाकी के सेंटेंसेस को लेकर के. थैंक यू वेरी मच.